नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों और अध्यात्म विदों का मानना है कि जिस प्रकार से सृष्टि का आधार परमपिता परमेश्वर होता है, ठीक उसी प्रकार से संपूर्ण तंत्र शास्त्र और योग का मूलाधार रहस्यमय कुंडलिनी शक्ति होती है। इस शक्ति की साधना के माध्यम से साधक को अनेक ऐसी अलौकिक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, जिन्हें देखकर आम मनुष्य उसे कोई सिद्ध महापुरुष अथवा भगवान का अवतार मानकर पूजने लगते हैं। कुंडलिनी शक्ति गुदास्थी के पास मूलाधार में मुख नीचे की ओर किए हुए वर्तुलाकार रूप में 3.5 चक्कर लगाए हुए पड़ी हुई एक नाड़ी होती है, जो कि सुषुप्तावस्था में रहती है। सांप की पूंछ की भांति इसका नीचे का सिरा पतला और फन की भांति ऊपरी भाग मोटा और फैला हुआ होता है। जिस प्रकार से सांप जब तक कुंडली मारे हुए पड़ा रहता है, तब तक निष्क्रिय होता है और जागने पर क्रियाशील हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से कुंडलिनी भी जागृत हो जाने के पश्चात क्रियाशील हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप साधक को अनेक अद्भुत और दिव्य अनुभूतियां होती हैं। सुषुप्तावस्था में पड़ी हुई कुंडलिनी को जागृत करके समस्त 6 चक्रों में से होते हुए ऊपर सहस्रार चक्र की ओर ले जाना पड़ता है। यह सब कुछ सिर्फ यौगिक क्रियाओं के द्वारा ही किया जाना संभव है, क्योंकि प्राणायाम ही ऐसी अवरोधक शक्ति है जो कि दोनों नाड़ियों की सक्रियता को समाप्त करके उन्हें सुप्तावस्था में लाती है। इन दोनों नाड़ियों के निष्क्रिय हो जाने से सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो जाती है, जिसके साथ ही कुंडलिनी भी क्रियाशील होकर एक एक करके 7 चक्रों में प्रवेश करती हुई चली जाती है। भारतीय मनीषियों ने यौगिक क्रियाओं के अतिरिक्त हठ योग, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, मंत्र योग, कर्म योग तथा लय योग को भी कुंडलिनी जागृत करने के अन्य उपायों में बताया है। माध्यम भले ही कोई भी हो, परंतु यह बात अवश्य सत्य है कि एक बार कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाने के पश्चात मनुष्य की शक्ति और ज्ञान की सीमा अनंत और असीमित हो जाते हैं। इस स्थिति में वह साक्षात परम शिव का ही एक रूप बन जाता है। कुंडलिनी के समस्त चक्रों की संक्षिप्त जानकारी कुछ इस प्रकार है। पहला चक्र है मूलाधार चक्र या रूट चक्र। सुषुम्ना नाड़ी में स्थित प्रथम चक्र मूलाधार चक्र होता है। शरीर में यह मेरुदंड के सबसे निम्न भाग में गुदा और लिंग के मध्य में स्थित होता है। इस चक्र का कमल रक्तवर्णी और चतुर्दलीय होता है। इन चतुर्दलों पर क्रमशः वंग, शंग और संग अक्षरों की स्थिति मानी जाती है। इसका यंत्र पीला, चतुष्कोणीय और पृथ्वी तत्व का घोतक है। इसका बीज लंग है, जिसका वाहन ऐरावत हाथी है। इस यंत्र के अधिपति देवता चतुर्भुज ब्रह्मा तथा चतुर्भुजा शक्ति डाकिनी है। इस चक्र का संबंध सुप्रारेनल ग्रंथि से होता है। इस यंत्र के मध्य में स्वयं भूलिंग होता है, जिसके चारों ओर 3.5 फेरे में लिपटी हुई अपनी पूंछ को मुंह में दबाए हुए सुप्त सर्पाकार कुंडलिनी शक्ति विराजमान है। प्राणायाम से यह शक्ति जागृत होकर विद्युत तरंगों के रूप में मेरुदंड के भीतर ब्रह्म नाड़ी में से होकर ऊपरी चक्र की ओर चलती है। यह चक्र कुंडलिनी शक्ति का केंद्र स्थान है। इसे मुक्ति त्रिवेणी भी कहा जाता है। दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र, जिसे हरा चक्र भी कहते हैं। शरीर में इस चक्र की स्थिति मूलाधार से 2 अंगुल ऊपर अर्थात लिंग के सामने होती है। इसकी आकृति सिंदूरी केसरिया रंग के प्रकाश से आलोकित 6 दलीय कमल के समान होती है। इन 6 दलों पर क्रमशः बंग, भंग, मंग, यंग, रंग तथा लंग अक्षरों की स्थिति मानी जाती है। इस चक्र का यंत्र चंद्रवत शुभ्र रंगीय अर्धचंद्राकार तथा जल तत्व का घोतक है। इसका बीज वंग है, जिसका वाहन मगरमच्छ है। इस चक्र के अधिपति देवता विष्णु तथा शक्ति चतुर्भुजा राकिनी है।
इस चक्र का संबंध गोनेड ग्रंथि से होता है। अगला चक्र है मणिपूरक चक्र, जिसे सोलर चक्र भी कहते हैं। यह चक्र शरीर के नाभि के समक्ष मेरुदंड के भीतर अर्थात नाभि मूल में स्थित होता है। यह नीलवर्णी प्रकाश से आलोकित 10 दलीय कमल के समान आकृति का होता है। इन 10 दलों में क्रमशः डंग ढंग रंग तंग थंग दंग धंग नंग पंग और फंग अक्षरों की स्थिति मानी जाती है। इस चक्र का यंत्र रक्तवर्णी त्रिकोणीय तथा अग्नि तत्व का घोतक है। इसका बीज रंग है और बीज का वाहन मेष है। इस चक्र के अधिपति देवता वयोवृद्ध रुद्र तथा देव शक्ति चतुर्भुजा लाकिनी है। इस चक्र का संबंध एड्रिनल ग्रंथि से होता है। चौथा चक्र है अनाहत चक्र, जिसे हार्ट चक्र भी कहते हैं। शरीर में यह चक्र हृदय के सामने दोनों वक्षों के मध्य में स्थित होता है। यह अरुणवर्णी प्रकाश से प्रज्वलित द्वादशवलीय कमल के समान आकृति का होता है। इन 12 दलों में क्रमशः कंग खंग गंग घंग रंग चंग छंग जंग झंग अंग तंग और ठंग अक्षरों की स्थिति मानी जाती है। इस चक्र का यंत्र धूम वर्णी षटकोणीय तथा वायु तत्व का घोतक है। इसका बीज यंग है और बीज का वाहन मृग है। इस यंत्र के अधिपति देवता ईशान रुद्र तथा देव शक्ति त्रिनेत्री चतुर्भुजा कामनी है। इस चक्र के मध्य में स्थित शक्ति त्रिकोण में विद्युत सम प्रकाश आलोकित है। इस चक्र का संबंध थायमस ग्रंथि से होता है। पांचवा चक्र है विशुद्ध चक्र, जिसे थ्रोट चक्र भी कहते हैं। इस चक्र की शरीर में स्थिति कंठ प्रदेश में होती है। यह धूम्रवर्णी अर्थात धुंधले रंग के प्रकाश के समान 16 दल वाले कमल की आकृति का होता है। इन 16 दलों पर क्रमशः अ आ इ ई उ ऊ री रंग लट ले ए ऐ ओ औ अंग और आह अक्षरों की स्थिति मानी जाती है। इस चक्र का यंत्र चंद्र प्रभा से दैदीप्यमान होकर पूर्ण चंद्राकार तथा आकाश तत्व का घोतक है। इसका बीज हंग और वाहन हाथी है। इस यंत्र के अधिपति देवता पंचमुखी सदाशिव और देव शक्ति चतुर्भुजा शाकिनी है। इस चक्र का संबंध थायराइड ग्रंथि से होता है। छठा चक्र है आज्ञा चक्र, जिसे थर्ड आई चक्र भी कहा जाता है। शरीर में यह चक्र मेरुदंड के भीतर ब्रह्म नाड़ी में अर्थात दोनों ब्रकुटियों के मध्य में स्थित ध्रुव में होता है। यह श्वेत वर्णी प्रकाश से आलोकित द्विदलीय कमल के समान आकृति का होता है। इन दोनों दलों पर क्रमशः हंग तथा शंग अक्षरों की स्थिति मानी जाती है। इस चक्र का यंत्र वैद्युत प्रभायुक्त इतर नामक अर्धनारीश्वर शिवलिंग अर्थात लिंगाकार महातत्व है। इसका बीज प्रणव ओम है और वाहन नाद है, जिसके ऊपर बिंदु भी स्थित है। इस यंत्र के अधिपति देवता ज्ञानदाता शिव और देव शक्ति चतुर्भुजा षडानना हाकिनी है। इस चक्र का संबंध पिट्यूटरी ग्रंथि अर्थात मास्टर ग्लैंड से होता है। नीचे के समस्त षट चक्रों का भेदन करने के पश्चात मेरुदंड के सबसे ऊपरी सिरे पर स्थित सहस्त्र दलीय सहस्रार चक्र होता है, जिसके अंदर परम शिव विराजमान है। इस चक्र में प्रवेश करने के पश्चात साधक साक्षात परम शिव से साक्षात्कार कर लेता है। यह चक्र शरीर में तालु के ऊपर मस्तिष्क में ब्रह्मारंध्र से ऊपर स्थित होता है। यह चक्र समस्त अलौकिक व लौकिक शक्तियों का केंद्र है। इसकी आकृति अनेकानेक रंगों के प्रकाश से आलोकित सहस्त्र दलीय कमल के समान है। इन सहस्त्र दलों पर 20-20 दफा प्रत्येक स्वर तथा व्यंजनों की स्थिति मानी गई है। इस चक्र के अधिपति देवता परम ब्रह्मा और देव शक्ति महाशक्ति है। इस चक्र का संबंध पीनियल ग्रंथि से होता है। सहस्रार चक्र में प्रवेश के साथ ही साधक की
कुंडलिनी शक्ति पूर्णतः जागृत होकर मोक्ष का मार्ग सुलभ कर देती है। इस स्थान पर आकर मन में स्थिरता के साथ समस्त वृत्तियों का निष्पादन हो जाता है। यहाँ पहुंचकर साधक समाधि अवस्था को प्राप्त कर लेता है। कुंडलिनी का विषय अत्यंत जटिल और अंतहीन होने के साथ साथ दुरूह भी है। अगर आप सच्चे मन और पूर्ण निष्ठा के साथ कुंडलिनी साधना के इच्छुक हो तो किसी योग्य और वरिष्ठ तथा अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में ही कुंडलिनी योग का अभ्यास करना चाहिए। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल लॉजिकल हिंदू को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।